अरे फ्रॉड है इसका मतलब? वो इंस्पेक्टर फ्रॉड नहीं है। मैं मसाज वाले के बारे में बोल रहा हूँ। अय्या, पर तुम्हें कैसे पता नहीं इस समय? अरे इस बार नहीं पता चला। और वो क्या उसकी पोटली लेकर वापस आएगा? ऐसा मुझे लगता नहीं, वो इंस्पेक्टर अभी तक वारंट लेके आया ही नहीं। वो आएंगे और जरूर आएंगे। नमस्ते मोटा भाई। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे क्या बोलते लव बर्ड, अब लाउंज मध्ये क्या करती? नहीं रूम में कोई प्रॉब्लम रहती क्या? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, एक न्योता देना था आपको और राम भरोसे को। वो कहाँ है? वो होगा होटल के किसी कोने में गिरा हुआ। कुछ ज्यादा लेते हैं क्या वो? नहीं बाबा वैसा नहीं, होटल का काम करता होगा ना कहीं पर। यही तो मैंने कहा, लेने वाले दिखते नहीं और पीने वाले लगते नहीं। तुम्हें क्या पता उसके बारे में? ईश्वर न्योता। चलो सब एक साथ मिले ये अच्छा हुआ। हाँ ना यार, चार रूम के चक्कर काटना बच गया नहीं क्या? कैसे घर, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, आपको न्योता देना था। हनुमान से पहले शादी करेंगे ऐसा तय किया है। ओह वाव। और ये शादी का शुभ कार्य होटल के ओनर और कस्टमर के साथ पूरा होना चाहिए ऐसा हमें लगता है। तब आज रात शादी में आना है, ले ले ये कार्ड। आप तीनों शादी में आना हाँ, और खाने में भी। मोटा भाई आपको और राम भोरेसे को एक साथ देता हूँ। क्या है ना, ज्यादा कार्ड छपवाई नहीं है। अजी छपवाई नहीं मतलब छपवाई नहीं, चार ही लिखी मैंने मेरे हाथों से खुद के। अरे तभी तो मुझे ये कागज जाना पहचान लगता है। राम भोरेसे जरा देखती क्या? दिखाओ दिखाओ। ये मुझे जाना पहचान लगती। अरे मोटा भाई ये तो अपने होटल का टॉयलेट पेपर है। आ, पेपर? पर शादी कहाँ है? यहाँ होटल में, लाउंज में। और खाने का क्या? अरे हाँ हाँ बताएंगे ना हम आपको भी, हमें ही सब मिलकर तय करना है सब कुछ। हाँ और फिर लिखा है कृपया गिफ्ट मत लाइए। बराबर। इसका क्या मतलब हुआ, हमने शादी में जाना है या नहीं? अरे ऐसे लिखने का एक तरीका होता है, सिर्फ शादी में आना बाबा, पर गिफ्ट विफ्ट कुछ मत लाना। बुके गिफ्ट कुछ नहीं लाना, ऐसे लिखना चाहिए था। हाँ।
हाँ हाँ ऐसे ही लिखना था, पर अब आओ हाँ सब शादी में। सुनिए जी। हाँ। मैं और सुकन्या तेरा शॉपिंग को होके आते हैं। अब कैसा शॉपिंग? शादी में जाना है मतलब कुछ ढंग के कपड़े तो चाहिए। अरे कहाँ जाना है, यहाँ होटल में है शादी। शादी चाहे कहीं भी हो, चार पांच नई साड़ियाँ तो चाहिए ही शादी में। अरे आप अभी तक यहाँ पर ही हो? अरे मैंने ही रुकने को बोला है उन्हें, मसाज रहे वो। अरे आप अभी तक गए नहीं, आप क्या कर रहे हो इतनी देर यहाँ? अरे नहीं नहीं, वो मुझे कैसा है ना, वो मेरी दुपट्टी चाहिए ना, दुपट्टी घर पर है, वो मुझे लानी होगी, तेल मंजन बेलन थोड़ा सा। हा? मैं सीधा जाता हूँ और हाँ हाँ तुरंत लेकर आता हूँ मैं। ठीक है जल्दी आओ, हाँ ज्यादा देर मत करो, जल्दी आता हूँ, निकलता हूँ। एक मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है, आपका कोई दूसरा भाई है क्या? नहीं तो, मुझे कोई भाई नहीं। आपका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है। नहीं तो हा? उसका कैसे होता है ना, वो चेहरे होता है ना, वो सब एक जैसे ही होते, एक जैसे ही दिखते है सब। ओ कुछ नहीं, मैं निकलता हूँ। मिस्टर गावड़े, वो आपके शादी के वास्ते अभिनंदन करती नहीं, पर क्या है ना, आपने लाउंज का इस्तेमाल करते टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किया, उसका अलग चार्ज पड़ती नहीं, और खासकर आपने ये सब करते वक्त हमें कुछ बताया नहीं। अरे तब वैसे कुछ तय नहीं था मोटा भाई, और होटल का रूम बुक करने के बाद लाउंज का इस्तेमाल तो फ्री ही मिलता है ना, उसके अलग कोई पैसे नहीं रहते, बराबर है ना? क्या मिस्टर लेले? पॉइंट है। क्या पॉइंट है? टॉयलेट पेपर इस्तेमाल किया कार्ड के लिए उसका अलग चार्ज नहीं लगेगा, और आने जाने के लिए लाउंज होती है, शादी के लिए नहीं उसका भी अलग से चार्ज लगेगा नहीं? अजी पर हम शादी भी आते जाते ही कर रहे हैं ना, वह ऐसा कुछ अलग किया ही नहीं है, है कि नहीं हो मिस्टर लेले? हाँ ये भी पॉइंट है। सुनिए आप उन्हें बेवजह का मत घसीटिए। अरे ऐसा क्या करते हो, मुझे इज्जत देते हो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मैं क्या कहता हूँ मोटा भाई, आपको केटरिंग चार्ज आपको ही दिया तो लाउंज का भाड़ा नहीं पड़ेगा ना। हाँ पॉइंट है। हाँ फिर अब केटरिंग का आपको ही देंगे। ऑफ कोर्स। खत्म हुआ मामला। पर वो टॉयलेट का पेपर इस्तेमाल किया कार्ड के लिए। अरे जाने दो ना मोटा शेठ, मेनू का क्या करने का है इसके बारे में सोचिए जरा। यस अभी याद आया मुझे। अब क्या हुआ? वो जो थोड़ी देर पहले आदमी गया ना, वो सेम इंस्पेक्टर जैसा दिखता था। क्या? हे भगवान, अब तुझे क्या सब जगह वो इंस्पेक्टर ही दिख रहा है जैसे वो संताजी धनाजी है? ए, उस इंस्पेक्टर का नाम संताजी धनाजी था क्या? नहीं तो, नाम कहा था उसका कौन सा स्थल पर? हाँ वक्ष। हाँ वही तो, प्लेट कहाँ थी उसके नाम की सीने पर? अरे फ्रॉड है इसका मतलब। वो इंस्पेक्टर फ्रॉड नहीं है। मैं मसाज वाले के बारे में बोल रहा हूँ। अय्या पर तुम्हें कैसे पता नहीं इस समय? अरे इस बार नहीं पता चला। और वो क्या उसकी पोटली लेकर वापस आएगा? ऐसा मुझे लगता नहीं, वो इंस्पेक्टर अभी तक वारंट लेके आया ही नहीं। वो आएंगे और जरूर आएंगे। हे राम, इसने तो कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा लिया है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि सारी पूछताछ ठीक से करना। सिनेमा अभी बाकी है। हाँ हाँ ये सिनेमा का तमाशा ना हो बस इतना ही है। ठीक है जाने दो, अब उसको शॉपिंग को लेके जाती हूँ ताकि उसका थोड़ा सा मूड ठीक ठाक हो जाए। हाँ। ठीक है वो सब जाने दो। मुझे क्या लगता है मिस्टर तावड़े गावड़े? हाँ बोलो ना। अब तुम्हारा क्या है उसके पास? नहीं मतलब मेरा काम आपके पास ही है। फिर ओनली गावड़े बोलो ना, तावड़े गावड़े बोलने के बाद वो हाँ बोलेगी ही ना। ठीक है मिस्टर गावड़े, अब आपकी शादी होगी, शादी के पहले की वो बैचलर पार्टी होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, इस फैसले को मेरी मंजूरी भी है और अनुमोदन भी है। अरे पर अब अलग से पार्टी क्यों चाहिए? नहीं मेरी भी इस सभी को सहमति है। हाँ मोटा भाई इधर आओ। वो झंझट खोद के क्यों निकलते? नहीं ऐसा क्या करते हो आप मोटा भाई, मैं यहाँ होटल का धंधा बढ़ा रहा हूँ और आप? अरे मेरे ध्यान में नहीं आया। अब मैं क्या बोलती, मुझे अब राम भरोसे ने बताया तो 100% अच्छा लगा। हाँ वो बैचलर पार्टी होनी ही चाहिए क्योंकि ऑफिशियल मैरिज के बाद आदमी की आज़ादी समाप्त होती है कि नहीं? हाँ हाँ बरोबर है। मैं क्या कहता हूँ, थोड़ी देर बात करेंगे, मिसेज लेले और सुकन्या शॉपिंग के लिए बाहर जाएगी नहीं क्या?
हाँ, आप पर पाबंदी होती है ना, नारियल नहीं, पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ठंडा पानी नहीं। अरे अरे अरे, आप चिंता मत करो लेले, मैं आपको सलाइन की बोतल से दूंगा। नहीं, उसके बाद मैं सलाइन पर दिखूंगा, इसके बजाय उन्हें शॉपिंग को जाने दो, फिर पार्टी करेंगे हम। लेकिन परशा, ज्यादा नहीं है, लिमिट में लो। हाँ, हार पहनने के वक्त हाथ पैर कांपेंगे, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, पहले ही बोल देती हूँ। देखो नी, इनका फ्रीडम तो अभी से ही खत्म होनी। जाओ जाओ, उसको समझाओ। अब वो मुंह से निकल गया, चलो आता हूं मैं। मोटा भाई, तैयारी करते हैं, चलो चलो चलो। हाँ नहीं, वो नींबू पानी मुझे आखिर तक मिला ही नहीं। वो ऑर्डर अभी कैंसिल ले ले, अभी डायरेक्ट उतर आई। बंटा ले लूं, गोली ली ना तो फ्रेश हो जाऊंगा। चलो चलो।